नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर मीन्स एन आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए, जो है आदर्श ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई जो है हानि नहीं होती, यानी कि जो आपका I1 R1 बराबर I2 R2 बराबर I1 X1 बराबर I2 X2 बराबर 0, यानी कि कोई हानि नहीं होती है, उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर। यानी कि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है 100% होती है, ठीक है। अब देखिए, जो है आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में ही चर्चा करेंगे और आदर्श ट्रांसफार्मर का जो है वेक्टर डायग्राम कैसे खींचा जाता है उसको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि जब ट्रांसफार्मर को लोड दिया जाता है तब क्या होता है। सबसे पहले इसका हम एक चित्र बनाएंगे, चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम जो है सब ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं देते और इधर से सप्लाई देते हैं V1, तो I0 करंट यहाँ फ्लो होती है, I0, ठीक है। और इस I0 धारा के वजह से कोर में जो है फ्लक्स Y उत्पन्न होता है, और यह फ्लक्स जो है जो प्राइमरी में होता है वह जो है कोर के माध्यम से सेकेंडरी को कट करता है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को, इसे सेकेंडरी की तरफ जा रहा है, ठीक। और सेकेंडरी में कट करेगा, इसमें भी E2 विद्युत भाग बल पैदा होता है, और इसमें E1, इसमें नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में N1 और सेकेंडरी में N2 है, ठीक है। लेकिन जब हम लोड लगाते हैं यह वोल्टेज V2, जब सेकेंडरी साइड पे हम लोड लगाते हैं तो सेकेंडरी में भी एक धारा I2 प्रवाहित होने लगती है। अब देखिए जो है, अब यह I2 धारा के वजह से जो सेकेंडरी साइड है इसमें जो है आपका I2 N2 या क्या एक एम्पियर टर्न यानी कि एक EMF मैग्नोमोटिव फोर्स जो है सेकेंडरी में पैदा हो जाता है, और उस मैग्नोमोटिव फोर्स के वजह से सेकेंडरी में जो है I2 के कारण एक फ्लक्स आपका जो है Φ2 पैदा हो जाता है। क्या करता है, यहाँ क्या होगा सेकेंडरी में, इस I2 के कारण एक फ्लक्स Φ2 पैदा हो जाएगा और यह सेकेंडरी से चलकर यह आपका Φ2 है, इसकी दिशा क्या होगी Φ के विपरीत, यह Φ2 प्राइमरी साइड को आके यह जो है लिंक करता है। अब यह जो सेकेंडरी का फ्लक्स Φ2 है यह जब प्राइमरी को लिंक करता है तो जो प्राइमरी की वोल्टेज E1 और E2 दोनों में जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इस Φ2 की वजह से प्राइमरी में एक और विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, हमारे कहने का मतलब यह है, और उस विद्युत धारा को हम जो है डिनोट करते हैं I2 डैश, ठीक है।
यानी कि जो धारा जो आई टू के वजह से जो धारा इसमें प्रवाहित होती है प्राइमरी में, यानी प्राइमरी में भी एक मैग्नोमोटिव एन वन और आई टू डैश पैदा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी एक फ्लक्स और पैदा होगा प्राइमरी में, और यह जो है जाकर सेकेंडरी को लिंक करेगा। क्या करेगा? यह जो है जो चलेगा प्राइमरी से और सेकेंडरी को लिंक करेगा, क्योंकि ये आई टू डैश के कारण है तो इसको हम नाम देते हैं फाई टू डैश। यानी कि यह जो है अब जो आपके सेकेंडरी में धारा हो गई, एक तो प्राइमरी में धारा जो है आई टू डैश प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इन दोनों का जो सदिश योग होता है या आई वन होता है, यानी आई टू डैश को हम क्या कहते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करेंट, ठीक है, यह प्राइमरी का लोड कंपोनेंट होता है। इतना हमको बताने का मतलब यह है कि जब जब सेकेंडरी में लोड परिवर्तन होगा तब तब एक जो है अतिरिक्त मैग्नोमोटिव फोर्स जो है सेकेंडरी में होगा जिसका फ्लक्स होगा, और वह प्राइमरी को परिवर्तित करेगा वोल्टेज का, और प्राइमरी में भी एक फ्लक्स उत्पन्न होगा। यानी लोड की जो भी स्थिति हो, यह दो जो है आपका जो फाई टू फ्लक्स है और फाई टू डैश, यह दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते रहते हैं। लोड के अनुसार फाई टू और फाई टू डैश बनेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेंगे और एक दूसरे को निरस्त करेंगे। कहने का मतलब यह है कि लोड की चाहे जो भी स्थिति है, जो हमारा नो लोड के कंडीशन में फ्लक्स हो रहा है पैदा, वो हमेशा स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे लोड जो भी हो लवहानिया स्थिर रहती है। यही कारण है कि जो हमारा लोड चाहे जो भी हो फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए लवहानिया हमेशा स्थिर रहती हैं। तो हम आई टू डैश आपको बताना चाहते थे क्योंकि फेजर डायग्राम में आई टू डैश हर जगह आएगा, उस समय आप कन्फ्यूज होंगे। तो आई टू डैश क्या होता है, यह जो है प्राइमरी का जो है लोड कंपोनेंट होता है, और यह आई वन क्या होता है, यह आई जीरो और आई टू डैश का फेजर सम होता है। अब आइए जो है हम आपको फेजर डायग्राम बताएंगे आइडियल ट्रांसफार्मर का। देखिए लोड जो है ट्रांसफार्मर पर तीन तरह का होता है, तीन तरह का लोड होता है। पहला तो आपका होता है प्योर रेजिस्टिव, यानी शुद्ध प्रतिरोधी लोड, शुद्ध प्रतिरोधी। बाहर दूसरा होता है प्योर इंडक्टिव लोड, यानी प्रेरणिक भार। तीसरा होता है शुद्ध कैपेसिटिव, यानी कि संधारित्र लोड। संधारित्र लोड, ठीक है। अब देखो तीनों में जो है क्या होता है, करंट जो है लोड के ऊपर निर्भर करती है, उसका पावर फैक्टर। जैसे शुद्ध प्रतिरोधी लोड है तो इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी वोल्टेज है और धारा सेम फेज में होंगे, ठीक है, V2 और I2 सेम फेज में होंगे। प्रेरणिक लोड है तो धारा जो है वोल्टेज को लैग करेगी, ठीक है, धारा क्या करेगी, वोल्टेज को लैग करेगी। संधारित्र लोड है तो धारा क्या करेगी, वोल्टेज को लीड करेगी। तो तीनों तरह का फेजर डायग्राम हम आपको एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बताएंगे, और इसमें हम किसी भी तरह का जो है वोल्टेज ड्रॉप और कोई भी जो है हम लॉस नहीं दिखाएंगे। आइए सबसे पहले हम शुद्ध प्रतिरोधी लोड पर वेक्टर डायग्राम खींच रहे हैं। तो देखिए हम आपसे बता दें कि सबका अलग अलग जो है वेक्टर डायग्राम खींचने का तरीका, हम अपना तरीका बता रहे हैं एक तरह से। देखिए सबसे पहले आप वोल्टेज वेक्टर डायग्राम आप सेकेंडरी साइड से शुरू करेंगे, यानी सेकेंडरी के वोल्टेज से शुरू करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो हम आइडियल ट्रांसफार्मर का वेक्टर डायग्राम खींचने जा रहे हैं, इसका ट्रांसफार्मेशन रेशियो हम एक मान के चल रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए जो है हम सबसे पहले आप एक बिंदु यहाँ लीजिए, ठीक है, आप जो है सेकेंडरी वोल्टेज को नीचे की साइड या खींच दीजिए,
यह क्या है आपका V2, यह V2 है। क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K जो है एक है, तो V2 बराबर E2 होगा और इसी के बराबर E1 भी होगा, और यहाँ आप इसके नीचे लिख देंगे K = 1। ठीक, अब देखिए, अब जो है क्योंकि यह जो है शुद्ध प्रतिरोधी लोड पे वेक्टर डायग्राम है, तो वोल्टेज के ही फेज में करंट होगा। मान लीजिए यह धारा आपकी I2, ठीक, यह धारा आपकी I2। अब जो है इस पॉइंट को जो है आप ऊपर बढ़ाएंगे, सीधे कितना बढ़ाएंगे, जो V2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 है, तो जो ऊपर बढ़ाएंगे तो हमको V1 प्राप्त होगा, तो किसके बराबर होगा, V2 के बराबर ही होगा। यानी हम एक सीधी रेखा इसी के ऊपर बढ़ाएंगे, हमको यह V1 प्राप्त हुआ, और यह V1 आप जानते हैं कि -E1 के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए यह I2 है। अब जो है इस पॉइंट से जो वो बिंदु है, आपको पहले बता चुके हैं कि जो फ्लक्स होता है 90 डिग्री जो है लैग करता है अप्लाइड वोल्टेज को। ठीक, ये 90 डिग्री पे हम वोल्टेज खींच दिए, फिर आपका जो है I0 धारा खींचेंगे, और यह जो है V1 से ∅0 कोण पे रहेगा। ठीक, अब देखिए जो है I2, अब जो I1 क्या है, हम यह जो है I0 और I2 का फेजर सम है, तो हम I2 कहाँ खींचेंगे, I2 के विपरीत फेज में, यानी यह प्राइमरी की धारा है, तो विपरीत I2 यहाँ है, तो सीधे हम जितना I2 नीचे है उसी के बराबर लगभग जो है यह I2 ले लेते हैं। ठीक, अब जो है I2 और I0 का हम फेजर सम निकालेंगे, इसको पैरेलल खींचेंगे I0 के, ठीक, और इसको हम मिला देंगे इस वो पॉइंट जो है आपका, ठीक है, तो यह एंगल जो होगा आपका V1 से, यह आपका यह धारा आपको I1 मिल गई, इसको हम ∅1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर डायग्राम शुद्ध प्रतिरोधी लोड पे नंबर 1। अब आइए जो है हम आपको वेक्टर डायग्राम बता रहे हैं शुद्ध प्रेरणिक लोड इंडक्टिव लोड पे। अब देखिए जैसे हम बताए हैं उसी तरह कुछ करना नहीं है आपको, सीधे एक रेखा खींचिए, अब तेजी से देखिए खींच रहे हैं V2, ठीक, यह V2 जो है बराबर E2 बराबर E1, क्यों, कि K = 1। ठीक है, अब जो है अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड में क्या हम बोले हैं, धारा जो है वोल्टेज को लैग करेगी, यानी वोल्टेज पहले आएगा और धारा बाद में, यह आपका I2 है। ठीक, और I2 और V2 के बीच में जो कोण होगा वो ∅2 होगा, यह ∅2 से डिनोट करेंगे। अब हम प्राइमरी वोल्टेज के लिए ऊपर बढ़ा देंगे सीधी रेखा में, कितना V2 के बराबर, जितना V2 की लंबाई है, यह आपको V1 मिल जाएगा, यह बराबर -E1 के होगा। अब V1 से जो है 90 डिग्री पे हम जो है फ्लक्स को खींचेंगे, ठीक, और यहाँ से लगभग V1 से 80-85 डिग्री कोण पे यह जो है हम I0 धारा खींचेंगे। ठीक, यह छोटी धारा है, यह I0। अब देखिए जो है हम फिर जो है I2 को ऊपर बढ़ाएंगे सीधे, तो हमको क्या मिलेगा, I2 मिलेगा, यह मिल जाएगा आपका I2। ठीक है, अब जो है यह आपका एंगल होगा V1 और I0 के बीच का, इसको हम कहेंगे 50, और जो V1 और I2 के बीच का होगा इसको हम देंगे 52। अब इन दोनों का हमको फेजर सम निकालना है, I2 और I0 का I1 प्राप्त करने के लिए, तो यह रेखा जो है I2 के पैरेलल हम बढ़ाएंगे इस तरह,
जितनी लंबाई होगी आई टू डैश की, और यह जो आपकी रेखा होगी यह इसके पैरेलल यानी आई जीरो के पैरेलल यह रेखा इस तरह जाएगी, जहाँ पे दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से हम जो है वो बिंदु को मिला देंगे, यह जो हमारी धारा मिली आई वन, ठीक है। तो इस तरह से हम इंडक्टिव लोड पे फेजर डायग्राम। अब आइए कैपेसिटिव लोड पे, उसी तरह से आप जो है जैसे हम बताए हैं सीधे आप जो है अभ्यास कर लीजिए, इसको आप बढ़ा दीजिए नीचे सीधे, यह आपका वी टू बराबर ई टू बराबर ई वन और के बराबर वन आप दे देंगे, ठीक है। अब यह आपका क्या है लोड, लोड जो है कैपेसिटिव है, धारा जो है वोल्टेज को लीड करेगी, यानी वोल्टेज से पहले आप धारा दिखाइए, यहाँ पर अब आ गई आई टू, ठीक। इसके बीच का वी टू और आई टू के बीच का कोण फाइ टू। अब जो है इसको ऊपर बढ़ाइए, आप वी टू के ही बराबर ऊपर बढ़ाइए, यह आपका वी वन बराबर माइनस ई वन मिल गया। अब जो है वी वन से 90 डिग्री पे आप फाइव फ्लक्स बढ़ा खींचेंगे, ठीक, और यहीं से आप जो है खींचेंगे फाइव जीरो कोण पे आई जीरो। अब देखिए जो है अब आई टू को बढ़ाइए विपरीत दिशा में, इसको बढ़ाएंगे, यह आपको हो गया आई टू डैश। अब फिर जो है आई वन निकालने के लिए हम आई टू डैश और आई जीरो का फेजर सम करेंगे, तो फेजर सम करेंगे तो इसको बढ़ाइए सीधे इधर आई जीरो के पैरेलल, ठीक, और यहाँ से बढ़ाइए जो है आप इसके पैरेलल आई टू डैश के पैरेलल, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ से जब मिला देंगे तो यह धारा आई वन मिल जाएगी। इस कोण को आप जो कहेंगे फाइव टू डैश, और यह होगा आपका फाइव वन और यह आपका फाइव जीरो, ठीक। इस तरह से आप देख लें, यह जो है वेक्टर डायग्राम आपका शुद्ध प्रतिरोधी लोड पर या इंडक्टिव लोड पर और या कैपेसिटिव लोड पर। तो इस वेक्टर डायग्राम से आप जो है धारा आई वन का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे वेक्टर डायग्राम आइए यहाँ पे, तो धारा का मान अगर आपको निकालना हुआ आई वन बराबर, अब देखिए जो है ये देख रहे हैं ओ आई जीरो आई वन आई टू डैश, ये क्या है आपका एक जो है समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का आप लगा देंगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट आई जीरो या पहले आई टू लिखिए आई टू डैश का होल स्क्वायर प्लस आई जीरो का होल स्क्वायर प्लस टू आई टू डैश इंटू आई जीरो कास जो है आपका एंगल फाइव जीरो माइनस फाइव टू डैश, ठीक है। इस तरह से आप जो है आई वन का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई टू डैश का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आई टू डैश बराबर के आई टू, ठीक है। इस तरह से आप जो है आपका फेजर डायग्राम, यह एक आदर्श ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है। अगला वीडियो हमारा होगा एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। आज यही समाप्त कर रहे हैं, नमस्कार।